की रंजिश का मामला बताया। सीबीआई जांच की सिफारिश, 10 लाख रुपए आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का भी ऐलान किया। दाल की बढ़ती कीमतों पर वित्त मंत्री का बयान, 2 से 3 दिन में कम होंगे दालों के दाम। 5000 टन दाल आयात की गई, 3000 टन जल्द होगी आयात, 120 रुपए किलो मिलेगी दाल, तुअर की दाल। गुड़गांव में NH8 पर दिखा तेज रफ्तार का कहर, कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक पर सवार दंपत्ति की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिवाली से पहले केंद्र का औद्योगिक कर्मचारियों को तोहफा, बोनस के लिए बेसिक वेतन की सीमा 3500 से किया 7000, अब 10000 की बजाय 21000 रुपए वेतन वालों को मिलेगा बोनस। चेन्नई में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा वनडे मुकाबला, सीरीज में 2 से 3 टीम इंडिया, जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगे धोनी के धुरंधर। नवरात्रि माँ सिद्धिदात्री का दिन, माँ सिद्धिदात्री दुर्गा का नवम स्वरूप है। माँ सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत सौम्य है। माँ की उपासना से हर कार्य सिद्ध होता है। माँ की चार भुजाओं में चक्र, गदा, शंख और कमल पुष्प है। माँ की आराधना से रोग, संताप और ग्रह बाधा दूर होती है। माँ का जपनीय मंत्र है सिद्धि गंधर्व यक्षाद्यैः सुरैः अमरैः अपि सेव्यमाना सदा भूयात् जय माता दी। माँ के दरबार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ कंचन शर्मा और मैं हूँ आपके साथ आचार्य संतोष जी। आप सभी को सबसे पहले तो नवमी और साथ ही साथ विजयदशमी की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं
भगवान श्री राम और माँ जगत जननी का कृपा आप सब पर बनी रहे। जी हाँ, और आज जो है नवरात्रि का नौवा दिन है, यानी कि नवदुर्गा का जो नौवा स्वरूप है, यानी कि माँ सिद्धिदात्री का दिन है। माँ की आराधना से क्या कुछ लाभ होगा ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपने अभी स्वरूप देखा कितना सौम्य स्वरूप उनका, और साथ ही साथ सिद्धियां हासिल करना चाहते हैं, हर कार्य में सिद्ध होना चाहते हैं, तो माँ की आराधना आपको विधिवत करनी है। जानकारी लगातार हम आपको देने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल कंचन, माँ सिद्धिदात्री जो समस्त कार्यों को सिद्ध करती है और साथ ही साथ 8 प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। क्या क्या आपको माँ से मिल सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पना से भी आपके परे है। अब यदि माँ को आप रिझा लें, ये अंतिम अवसर होता है नवमी की तिथि पर, जब आप हर दुर्गा को, दुर्गा की समस्त स्वरूप को एक साथ पा सकते हैं। 9 स्वरूप एक साथ आप अपने करीब ला सकते हैं, उन सब की विशेषताओं को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। उसी क्रम में आज हम आपको बताएंगे माँ सिद्धिदात्री की प्रसन्नता का क्या पर्याय रहेगा, क्या खास उपाय करना है आज रात में माँ सिद्धिदात्री यदि आपको दर्शन देने के लिए स्वतः आ जाए, तो उसके लिए भी एक छोटा सा प्रयोग बताने वाले हैं। 5 मिनट का एक भव्यतम दिव्यतम अप्रतिम योग भी हम बताएंगे। एक विलक्षण संगम है आज, नवमी और दसवीं दो दो तिथियों का मिलन हम कहेंगे। सूर्योदय यद्यपि नवमी में हुआ है, लेकिन दसवीं तिथि दोपहर के आसपास में लग जाएगी। यद्यपि आप कंजक अगर बैठाते हैं, जिमाते हैं, तो आज 12 बजे से पहले कभी भी आप कर सकते हैं, निसंदेह वह ग्राह्य रहेगा, ग्रहणीय रहेगा, ग्रहण करने के योग्य रहेगा, निश्चिंत रहे आप। इसके अलावा आज किचन पिटारा में भी बहुत खास हम आपके लिए लेकर आए हैं, ससुराल के साथ रिश्तों को मधुर करने का एक नायाब नुस्खा जो निकलेगी आपकी रसोई से, लेकिन पहुंचेगी ससुराल वालों के दिल तक। जी हाँ, और साथ ही साथ बढ़ जाएगा आपका लक, जब होगा लकी अक्षर आपके पास, आपकी राशि के अनुसार ये अक्षर भी हम आपको आगे देने ही वाले हैं। लेकिन चलिए, आज नवमी है, माँ सिद्धिदात्री का दिन है, तो आपको माँ के दर्शन करवाते हैं और सीधे ले चलते हैं दिल्ली के कालका जी मंदिर, जहाँ जुड़ी हुई है हमारी संवाददाता आरती पांडे। जी कंचन, बिल्कुल, आज नौवा नवरात्र है और सिद्धिदात्री की आराधना की जा रही है, और कालका मंदिर में जो भक्त हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे भक्त हैं जो कि यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ की जो कन्या पूजन होती है उसी में अपने अनुष्ठान के समापन वो करते हैं, क्योंकि 9 दिन से बहुत से ऐसे भक्त हैं जो कि व्रत उन्होंने रखा होता है। मुख्य दरबार में हम यहाँ पहुँच रहे हैं और दिखा रहे हैं कि जैसे कल भी भक्तों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर तांता लगा हुआ था, आज भी यहाँ जो भक्त हैं बहुत भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं दर्शन करने के लिए माँ कालका के इस दरबार में। और शायद अगर हमें अवसर मिल पाया तो हम आपको दिखा पाएंगे कि माँ के जो मुख्य दरबार है वहाँ से दर्शन कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये हम आपको बता दें कि किस तरह से भक्तों का यहाँ पर लंबी जो कतारों में इंतजार करने के बाद से यहाँ पर भक्त पहुँचे हैं, वो यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर आज 9:30 बजे जो है कन्या पूजन का कार्यक्रम होने वाला है, और उसके बाद यहाँ पर जो है अखंड ज्योत चली हुई है, अखंड यज्ञ चल रहा है पिछले 9 दिनों से, आज 11:30 बजे तक वो होगा। यहाँ पर अगर हम आपको थोड़ा सा दिखा पाए तो मुख्य दरबार में थोड़ा सा आगे जाने में, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा भक्त मौजूद है, तो थोड़ा सा जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे कि दर्शन कराने की हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ पे मुख्य दरबार से हम आपको दर्शन करा सके। और ये हम आपको बताना चाहते हैं कि आज नौमी का जो, जैसे कि आपने बताया कि अंतिम दिन है, सिद्धिदात्री का माँ का स्वरूप है, भक्त यहाँ पर जो पहुँचे हुए उनकी बस कोशिश ये है कि माँ के दरबार में वो वहाँ माथा टेके, और हमारी भी पूरी कोशिश ये है कि हम अपने जो भक्त हैं उनको यहाँ पर दर्शन करा सकें, जो हमारे दर्शक हैं लाइव इंडिया के जो दर्शक हैं वो। जी आरती, आरती बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि माँ के जो है दर्शन हो पा रहे हैं, लेकिन भक्तों का जो जमावड़ा है वहाँ पर इतना ज्यादा भारी मात्रा में भक्त जो है इस वक्त कालका जी मंदिर में उपस्थित हैं। और आचार्य जी, देखने वाली बात ये भी है कि आज जो है नवमी भी है और विजयदशमी भी है, तो आखिरी मौका है भक्तों के पास माँ को रिझाने का, तो पूरी तरह से भक्त जो है श्रद्धा में। जी कंचन, भगवान श्री राम ने भी माँ को रिझा करके ही रावण पर विजय प्राप्त किया था, और यही अवसर होता है जब समस्त सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री का दिन होता है आप सब हासिल कर सकते हैं। और कालका जी का मंदिर तो वैसे भी अपने आप में बेहद जागृत मंदिर माना गया है, जिसका दर्शन सब कर रहे हैं। और आरती, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम खास जानकारियों के लिए। आरती नहीं हुई है, हालांकि आज आरती हुई है, बिजली की आरती नहीं हुई है, क्योंकि
मंदिर में दरबार में अगर दर्शन नहीं कर पाते हैं और सिर्फ मंदिर परिसर में छू भी लेते हैं तो भी माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और कंचन, यहाँ पर एक बार फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर 9:30 बजे यहाँ पर कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा गया है और उसके बाद यहाँ पर जो दशहरा पूजन की तैयारी यहाँ पर हो जाएंगी। अखंड जो जागरण यहाँ पर चल रहा है पिछले 9 दिनों से, आज उसका भी 11:30 बजे समापन होने वाला है। जी कंचन जी, आरती आचार्य जी, अभी हमने देखा कि इतने जोश और जनून के साथ भक्त और हमारी जो संवाददाता है आरती पांडे मग्न हो रखे थे मंदिर में, हमारी आवाज भी वहां तक नहीं पहुंच पाई, तो यही माँ की लीला है। इतनी वहां पर लोग आज सब आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ पड़े हैं और ऐसे अवसर में आप लोग देखिए घर बैठे सब कुछ भव्यतम, और हमने अपना साथ पूरा निभाया है। हमने आपसे वायदा किया था कि नवरात्रि के पूरे 9 दिन हम आपको अलग अलग मंदिरों से माँ के दर्शन करवाएंगे और ये वादा हमने आपसे पूरा किया है और उम्मीद करते हैं आपकी उम्मीदों पर हम उतरे हैं। और चलिए अब बारी आ गई है रक्षा कवच की। एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए हर दिन आपको दिया जाता है। किसी भी खास काम के लिए अपने घर से आप जा रहे हैं, कदम आगे बढ़ाएं, उससे पहले लेकर चलिए अपना खास रक्षा कवच। बहुत लोग आज नई कार खरीदेंगे, नई गाड़ी खरीदेंगे, तमाम चीजें होती हैं। रक्षा कवच आपके लिए हर जगह रक्षा का पर्याय बनता है। किसी भी तरह की यात्रा पर निकल रहे हैं, कुछ भी लेने जा रहे हैं आप, हल्दी थोड़ा सा लेकर के अपने दाहिने बाजू में लगा करके फिर आप घर से प्रस्थान करिएगा। आज के दिन और कल के दिन शक्कर और शहद एक चम्मच में रख लें और हल्का सा उसको स्पर्श करें, फिर आप कार्यालय आदि के लिए या कहीं पर भी यात्रा के लिए आप प्रस्थान करिएगा। हर जगह आपकी रक्षा। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको वो खास मंत्र बताएंगे जिसका जाप आपको आज दिन करना है, क्योंकि वो जपनीय मंत्र है माँ सिद्धिदात्री का। जी, और मन की बात जानने की सिद्धि मिलेगी और साथ ही साथ आखिरी मौका माँ के दर्शन करने का हम आपको करवाएंगे, तमाम जानकारियां भी देंगे। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। आज दोपहर 2 बजे हम आपको बताएंगे कि अभिमान पर मान की जीत का दिन है आज, यानी कि विजयदशमी भी है, तो विजयदशमी से जुड़ी हुई अहम जानकारियां आज आपको दी जाएंगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। भाभी, इतने मैले कपड़े, वील ट्राई कीजिए। वील नया है और ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख तेरा वील क्या ऐसा ऐसा झाग देगा, इससे बेहतर मैल निकाल सकता है। इसे कहते हैं सफाई, गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबू जैसी शक्ति दे गहरी सफाई, बदल दिया। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण, ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कैसे पता ये पानी प्योर है? कहाँ? प्योरिट अल्टिमा आर ओ प्लस यूवी, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। प्योरिट अल्टिमा आर ओ प्लस यूवी विद प्योरिटी इंडिकेटर, नो केमिकल एनर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल बी एच प्लस हेयर कलर। सच्चा दा बंग हो DMR, DMR डिजायर दीवाना बना दे। Woo! Let's take it out.
ले। फाल देख, इसके लिए सोप नहीं मैग्नेट एक्शन चाहिए। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश, इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और आपको दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। मैग्नेट एक्शन फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। विम जेल सिर्फ 10 रुपए में। इतनी महंगाई, 10 रुपए में तो हफ्ते भर के नींबू भी नहीं मिलते। पर अब वही 10 रुपए में मिले पूरे 100 नींबुओं की शक्ति विम जेल के नए वीकली पैक में, जो आसानी से हटाए कड़ी चिकनाई। हफ्ते भर का नया विम जेल अब सिर्फ 10 रुपए में। माँ के दरबार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज माँ सिद्धिदात्री का दिन है और जैसे कि हमने आपको बताया कि हर तरह के कार्यों में आप सिद्धि हासिल कर सकते हैं अगर माँ की कृपा आप पर हो जाए। सच्चा दरबार भी आगे हम आपको बताएंगे कैसी जानकारी कि धन दौलत शौहरत सब कुछ हासिल करना चाहते हैं आप, तो कैसे माँ की आराधना करें। लेकिन उससे पहले बात करेंगे सक्सेस की एक ऐसी की है जो आपको सफलता दिलाती है, और इसमें तो आज माँ की शक्ति भी है। तो लीजिए अपनी खास सक्सेस की। चलिए, आज के दिन आप कुछ भी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो ये कुंजी आपके लिए खास मदद करेगी। एक ईंट के टुकड़े पर हल्का सा काजल लगा करके अपने पास रख लीजिए, फिर आप किसी भी तरह की सफलता की कामना के साथ घर से प्रस्थान करें। कल के दिन ईंट का टुकड़ा सरसों के तेल में स्पर्श करके सर से 3 बार उल्टा वार के फेंक देना है। ये कल के दिन का था, कल के दिन का रहेगा अर्थात शुक्रवार के दिन। दोनों दिनों में आज और कल यह आपको एक चाबी दी गई है जो आपके हर कार्य को सफल और सिद्ध करे। जी हाँ, और चलिए अब आपको बताते हैं कि नवदुर्गा का जो नौवा स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री, इनका आज का जपनीय मंत्र कौन सा है? चलिए एक मंत्र हम आपको बताते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से आप किसी के भी मन की बात को समझने के लिए अपने आप को सम्यक प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको अगर ये पता चल जाए कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है तो बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी और यह भी एक प्रकार की सिद्धि है। पहले मंत्र का जाप करें, उसके हाथ के हाथ में आपको एक प्रयोग बताऊंगा। ओम ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्री देव्यै नमो नमः। ओम ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्री देव्यै नमो नमः। अब मंत्र का प्रयोग देखिएगा, यह मुद्रा आपको बनानी, अंगूठा और अनामिका। जब आप किसी के सम्मुख प्रस्तुत हों, सामने बैठे खड़े रहें और आपको लग रहा सामने वाला कुछ बात छुपा रहा है, तो आप इस मुद्रा का इस्तेमाल करके और इस मंत्र का कुछ बार मानसिक उच्चारण जाप कर लीजिए। ईश्वर की कृपा रही, माँ सिद्धिदात्री की कृपा रही, तो सामने वाला आपको हर बात बिना रोक टोक बिना झिझक के बता देगा। खासतौर पर माताओं बहनों के लिए खास अनिवार्य है, जब बच्चे बात छुपाने लग जाते हैं तो एक समस्या आ जाती है। ऐसे में यह मंत्र आपका जरूर मदद करेगा और आपको मन की बात जानने की सिद्धि माँ की कृपा से प्राप्त। जी हाँ, और अब बारी आ गई है आज के हमारे लकी कॉलर से बात करने की। तो जानते हैं कि किस पर बरसी है माँ की कृपा और कौन बने हैं आज के हमारे लकी कॉलर। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका शो में। अपना नाम और स्थान पहले बताएं आप। नमस्कार, मैं जिग्नेश बात कर रहा हूँ अहमदाबाद गुजरात से। जिग्नेश जी, बधाई आपको, आज आप लकी कॉलर हैं। जी जी, कंचन जी नमस्कार, नमस्कार। गुरु जी सादर चरण स्पर्श, जय माता दी गुरु जी, और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि आज के पावन पर्व पे आपसे मेरी बात हुई है। जी जी, बताएं अपनी जन्म की तारीख। हाँ कंचन जी, मेरे जो प्रश्न है मेरे पापा से संबंधित है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 10 दिसंबर 1954। जी, समय? समय है सुबह के 5:40। और स्थान? स्थान है खेरालू, नॉर्थ गुजरात।
KHERALU खेरालू। हाँ जी, हाँ गुरु जी, मेरे तीन, हाँ गुरु जी, मेरे प्रश्न ये तीन थे कि मेरे पापा अभी कहीं चले गए 20 अप्रैल 2014 से, तो अब तक कोई भी हमारा संपर्क नहीं है उनके साथ, तो घर कब तक वापस आ जाएंगे, अभी कौन से स्थान पे होंगे, किसी दोस्त के साथ होंगे या किसी रिश्तेदार के साथ होंगे, और कृपया बताए कि कब तक वो 100% वापस घर आ जाएंगे जी। और अभी गुरु जी वो अहमदाबाद में हो गए, अहमदाबाद के बाहर हो गए, तो कृपया इस चीज का मार्गदर्शन करें जी। भैया कुंडली इनकी जो है वृश्चिक लग्न की है और गोचर में लग्नस्थ ही शनि चल रहे हैं, परिवार से दूर जाना लगभग तय था, ये तो रिसर्च हमारा है, सुरक्षित है, सबसे पहली बात ये सुरक्षित है, किसी रिश्तेदार के ही साथ हैं, उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ, गुजरात से उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ ये बढ़ चुके हैं, संभव है कि ये बॉम्बे में रहें, विदेश जाने का भी योग इनके जन्मांक में बेहद प्रबल है, 12वें घर में शुक्र सुग्रही है और शनि उसके साथ उच्च की राशि, उच्च राशि में बैठे हैं, चंद्रमा से दोनों ग्रह शुक्र और शनि खष्टस्थ हैं, तो ये स्वतः अपने सबसे बड़े शत्रु अब तक रहे हैं, पिता हैं आपके, आप अपने पुत्र धर्म का पूरी तरह से निर्वहन करिएगा, इनकी तलाश में लग जाइए, वैसे ठाकुर जी की कृपा रही तो यकीन मानिए मुश्किल से 5 से 7 दिन के अंदर में ये वापस भी आ जाएंगे, और उससे पहले आप लोगों से वार्तालाप हो जाएगी, इनका कोई वस्त्र लाल रंग का लेकर के पश्चिम दिशा की तरफ किसी पीपल के वृक्ष पर टांग दीजिएगा, बांध दीजिएगा और प्रार्थना करिएगा, एक दीपक वहां जला दीजिएगा, यह प्रयोग करते रहे, जरूर आपको फायदा दिखेगा जल्दी जी। हाँ, और आज विजयदशमी भी है, तो आज हम आपको एक खास और जानकारी ये देने वाले हैं कि हम सबके भीतर में कहीं ना कहीं एक नकारात्मक सोच, एक रावण पल रहा होता है, कहीं ना कहीं हमें घमंड अहंकार होता है जो हमें पतन की तरफ ले जाता है, और ऐसे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम अपने भीतर के रावण को खत्म कर सकते हैं, ये उपाय मिलेगा, बिल्कुल ये उपाय आपको आगे मिलेगा, लेकिन उससे पहले अब जानकारी लेते हैं सच्चा दरबार जी। हाँ, आज माँ सिद्धिदात्री का दिन है, तो माँ की कृपा से किस प्रकार से धन दौलत शोहरत आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। जितने भी भौतिक सुख संसाधन हैं, इन सब से आपको माँ भर दे, भरपूर दे दे, आपका झोली, आपकी भंडार आपका भरा रहे, यह माँ से आप प्रार्थना करते हुए मांग लीजिएगा, सद्भाव मांगे, सद्विचार मांगे, सद्गुण मांगे, सच्चरित्रता मांगे, जिससे आपके पास ये सारे भौतिक संसाधन स्वतः आने लग जाए, जब आपके अंदर ये समस्त गुण आ जाएंगे तो आप सब कुछ अपने आप प्राप्त कर लेंगे। उपाय करना है माँ सिद्धात्री के लिए, उनका नाम करें, जयकारा लगाएं, एक कटोरी में 3 चुटकी सिंदूर लें, यहां से आपको उपाय और प्रयोग आरंभ करना है, उसमें 1 लौंग डाल दीजिएगा, 1 छोटी इलायची डालिएगा, आपके समक्ष आ चुका है, अब आप नोट करते जाइए, किसी वृक्ष का 1 कांटा डाल दीजिएगा, बबूल का कांटा डाल सकते हैं, गुलाब का कांटा डाल सकते हैं, तमाम वृक्षों में कांटे होते हैं, 1 छोटा सा कांटा डालिएगा और छोटी अंगुली से इस सामग्री को आप दक्षिणावर्त चलाइए, इसके बाद सर से 3 बार वारिए और ओम ह्रीम का 11 बार उच्चारण कर लीजिए, इस कटोरी को फिर आप आरती दिखाइएगा और ले जाकर के नीम के वृक्ष के नीचे उड़ेल कर चले आइए, डालकर चले आइए, कटोरी वहां छोड़िएगा मत, लेकर वापस घर आना है, वहां की मिट्टी को प्रणाम करके मस्तक से लगा लीजिएगा, इसका रिजल्ट जल्दी दिखेगा जी। हाँ, तो आज शारदीय नवरात्रि का आखिरी दिन, आखिरी नवरात्रा, आखिरी मौका आपके पास कि आज रात ऐसा क्या प्रयोग आप करें ताकि माँ जो है आपको दर्शन दे जाएं, आइए जानते हैं दर्शन दो माँ। यद्यपि तो रात तक 10वीं तिथि का उदय हो चुका होगा, लेकिन उदया तिथि 9वीं में थी, तो 9वीं तिथि मान करके माँ सिद्धिदात्री को दर्शन के लिए आप निमंत्रण दीजिए, आज एक पीपल का पत्ता आप ले लीजिएगा, जमीन पे गिरा हुआ लेना है, गंगा जल से धुलना है, उस पत्ते पर लाल कलम से स्वास्तिक बनाना है, सीधा बनाइएगा, कई लोग उल्टा बना देते हैं, मध्य में बिंदियां रखना अनिवार्य है, इसके बाद बीच में 1 लौंग रख दीजिएगा और सर से अपने घुमा करके 3 बार दक्षिणावर्त सिरहाने रख लीजिए, रात में माँ के दर्शन होंगे,
माँ आएगी और आपको हर प्रकार से आशीर्वाद देकर के प्रसन्नता का वरदान देगी। अगले प्रातः स्नान के बाद इस पत्ते को पीपल के नीचे ही रखाइएगा। प्रयोग बेहद आसान है, करेंगे आनंद जरूर आएगा। जी हाँ, और रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो 5 मिनट का प्रयोग भी अभी बचा हुआ है, रात्रि में करना है, लेकिन ये प्रयोग हम आपको रात्रि जागरण में आगे बताएंगे। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर अपने जीवन में आप उदासी महसूस करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जो कदम हैं खुशियों की तरफ बढ़ें, तो इसके लिए खास जानकारी कल दी जाएगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। Introducing two new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. बाइकर्स के लिए फेयर एंड लवली मेंट फेस वॉश, इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। फेयर एंड लवली मेंट फेस वॉश। जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC IDT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक, द प्राइड ऑफ इंडिया। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी। दीवाल पीएच प्लस लो। ये कहा गया रिकी? दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, अब सिर्फ 10 रुपए में। पिज्जा बनाए हीरो जनाब, दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट इंस्टेंट हिट। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, सीता राम जय सीता राम, भज प्यारे तू सीता राम। बिहार में गलत है, लौकत है, पर ठेकत नहीं। बिहार का चुनाव ये पूरे देश का चुनाव इस मायने में है कि मोदी जी जब बात हो सही चुनाव की, तब अनुभवी आता है निकल कर सबसे आगे। सतीश के सिंह, ओम थानवी और नीलाभ मिश्रा के साथ बिहार करेगा अपने कल का सही चुनाव। बिहार चुनाव 2015 सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। हमारी इस खबर ने मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार में और दोनों जगहों की सियासत में हड़कंप मचा दिया। बात करने के लिए अगर हम कहें तो शिवराज सिंह चौहान तैयार नहीं हुए। शिवराज सिंह चौहान जी को पदमुक्त किया जाना चाहिए। आपकी निष्पक्ष और साहसिक पत्रकारिता को बधाई देना चाहूंगा। लाइव इंडिया को कंग्रेचुलेशन। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य।